वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, दिस इज प्रकाश महंत एंड यू आर वाचिंग पीएम्स मोटोग्राफी। आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप 1 लाख के अंदर कौन सी स्पोर्ट्स बाइक खरीद सकते हैं। तो अगर आज का वीडियो आपके किसी काम आता है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो सर्च करें प्रकाश महंत। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बेस्ट बाइक्स अंडर 1 लाख रुपीज़। तो सबसे पहले बाइक जिसके बारे में मैं बताऊंगा वो है होंडा सीबी हॉर्नेट। ये बाइक आती है 160 cc के साथ। इसका लुकिंग काफ़ी माचो लुकिंग है, काफ़ी बल्की पैनल्स दिए गए हैं इस गाड़ी को और इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। इसके टेल लैंप्स एक्स शेप में हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, जो आपको काफ़ी पसंद आएंगे। ये यंगस्टर्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी बाइक है और ये गाड़ी आती है 5 गियर्स के साथ। और दूसरी गाड़ी के बारे में मैं जो बात करने वाला हूँ वो है होंडा की ही एक्स ब्लेड। इसमें भी सेम ही इंजन शेयर किया गया है, बस थोड़ी ट्यूनिंग की गई है। इसमें थोड़ा सा कम पावर दिया गया है जिससे कि इस गाड़ी से आपको ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज मिले। और ये भी गाड़ी 5 गियर्स के साथ ही आती है। इसमें आपको सबसे अट्रैक्टिव लगेगा इसका हेडलैम्प। इसमें आता है रोबो फेसिंग हेडलैम्प जो कि फुल LED यूनिट है। तो होंडा हॉर्नेट और होंडा एक्स ब्लेड में दोनों ही में सेम इंजन शेयर किए गए हैं। एक्स ब्लेड का प्राइस आपको सीबी हॉर्नेट से थोड़ा कम में मिल जाएगा। और तीसरी बाइक के बारे में मैं जो बात करने वाला हूँ वो है यामाहा की FZ। यामाहा FZ आती है 150 cc के साथ। एक 250 cc वाली भी आती है बट वो 1 लाख से ऊपर हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे 150 cc के बारे में बात करूँगा। ये गाड़ी आती है फ्रंट एंड रियर दोनों ही डिस्क ब्रेक के साथ और इस गाड़ी में मिलता है आपको FI इंजन, फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जिससे कि आपको माइलेज और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मिलता है। FZ का इंजन आपको जापानीज इंजन मिलता है। और फोर्थ गाड़ी के बारे में मैं जो बात करने वाला हूँ वो है बजाज पल्सर 200 NS। ये भी काफ़ी अच्छी बाइक है, इसे नेक्ड बाइक कहा जाता है। जो इसका डिज़ाइन दिया गया है वो नेक्ड है और इसका 200 cc वाली बाइक आती है 6 गियर्स के साथ जो कि 23 PS की पावर जनरेट करती है। इसका एक्सीलरेशन काफ़ी शानदार है, आपको काफ़ी पसंद आएगा इसका एक्सीलरेशन, बहुत ही ज़बरदस्त है इसका पिकअप। और मैं बात करूँ पाँचवीं गाड़ी की तो ये है NS160 जो कि बजाज की ही है। ये लुक में तो सेम है S200 बट इसमें मिलता है आपको 160 cc का इंजन और ये आता है 5 गियर के साथ। ये गाड़ी भी अच्छा है अगर आपको ज़्यादा पावर से मतलब नहीं है तो, इसमें आपको 200 से ज़्यादा माइलेज मिल जाएगा और थोड़ी सी पावर कम मिलेगी। और सिक्स्थ बाइक जिसके बारे में बताने वाला हूँ TVS Apache RTR 200 4V। इसका एग्जॉस्ट नोड आपको काफ़ी पसंद आएगा, काफ़ी बेसी एग्जॉस्ट है, काफ़ी बेस बूस्टिंग साउंड है इसके एग्जॉस्ट में। और इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप कार्ब्यूरेटर इंजन लेना चाहेंगे या FI इंजन, फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। और साथ ही साथ इसमें आपको फ्रंट एंड रियर दोनों पे डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं और ड्यूअल चैनल ABS मिल जाता है एज एन ऑप्शन। अब मैं बात करूँ 7th बाइक की तो वो है TVS Apache RTR 164V। ये दिखने में दोनों गाड़ी सेम है, 204V एंड 164V। थोड़े थोड़े माइनर चेंजेस है, कॉस्मेटिक चेंजेस है दोनों में, बट मेन चेंज यहाँ पे इंजन का है। उसमें आपको मिलता है 200 cc का इंजन और इसमें मिलता है आपको 160 cc का इंजन, बट इसमें ABS नहीं मिलता, फ्रंट एंड रियर दोनों ही डिस्क ब्रेक मिलेंगे आपको। एंड ऑप्शन इसमें मिल जाता है आपको कार्ब्यूरेटर एंड FI का। और 8th बाइक है सुजुकी की जिक्सर। जिक्सर में दो मॉडल आते हैं, एक जिक्सर जो कि नेक्ड है आपने देखा होगा और एक फुल पेयरिंग वाली आती है जिसे कि जिक्सर SF कहते हैं। दोनों में ही 150 cc का इंजन लगा हुआ है 5 गियर्स के साथ और इसमें भी ABS मिल जाता है, बट इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलेगा, सिर्फ फ्रंट पे ABS। और इसमें आपको FI इंजन भी मिल जाता है, फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। और 9th बाइक है बजाज की तरफ से, बजाज की एवेंजर। इसमें आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं, एक है 220 cc की एंड दूसरी है 180 cc की। 220 cc वाली जानी जाती है क्रूज के नाम से और 180 cc वाली जानी जाती है स्ट्रीट के नाम से। ये दोनों बाइक भी काफ़ी अच्छी क्रूज़र बाइक है, आपको चलाने में इन दोनों बाइकों को काफ़ी मज़ा आएगा। तो ये थी कुछ बाइक्स जो आपको 1 लाख या 1 लाख के करीब में मिल जाएंगी, क्योंकि काफ़ी स्पोर्ट्स बाइक है, काफ़ी पसंद आती है यंगस्टर को, कॉलेज स्टूडेंट्स को। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करता रहूँगा। So that's all for today guys, thanks for watching this video and please do subscribe to my YouTube channel PM's Motography.